Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 18 अक्टूबर 2019 फ्राइडे है, सुबह के 7:57 हो रहे. आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. नेक्स्ट वीक स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं. मंडे को वोटिंग होगा और उसके 2-3 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा. तो दो स्टेट्स के इलेक्शन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है. कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली. वेनसडे को जो दोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ था, उसके बाद में हम एनालिसिस कर रहे थे पास्ट का भी. जैसे ही दोजी कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, उसके नेक्स्ट डे एक बड़ा मूव आता है. कल एक्सपायरी का भी दिन था, वीकली एक्सपायरी, तो उसके बावजूद ज़बरदस्त एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिला. तो अभी क्या ये किस हद तक, कहाँ तक ऊपर तक ये कंटिन्यू हो सकता है, या फिर करेक्शन आएगा तो कहाँ पर सपोर्ट हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे. आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 17 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,481, जो कि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल का 38.2% का लेवल था. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो समझ में आया होगा आपको. और ब्रेकडाउन लेवल था 11,437. तो जैसे आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. सुबह तो काफ़ी कोशिश हुआ यहाँ पर ये ब्रेकआउट लेवल ब्रेक करने की, लेकिन 1-2-3 बार ये फर्स्ट ऑफ अटेम्प्ट में ये फेल हुआ था ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने में. और नीचे भी सुबह का जो फर्स्ट 5 मिनट्स था, वहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल भी एग्जैक्ट इसने यहाँ का सपोर्ट टेस्ट किया था. तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए थे. और जैसे ही इसने हमारा ये ब्रेकआउट लेवल ब्रेक किया, तो फर्स्ट टारगेट 11,492 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ. एक पॉज लिया यहाँ पे और फिर इसके ऊपर गया, और सेकेंड टारगेट 11,512 ये भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ. एक फिर से यहाँ पर कुछ देर के लिए पॉज लिया था, और जैसे ही ये इसके लेवल के ऊपर भी ये निकला, तो ज़बरदस्त अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिला. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हरे निशान के साथ बंद हुए. कल यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में जो ब्रेक्जिट डील हो रहा है, उसके बारे में पॉजिटिव खबरें आ रही है. यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें भी एक पॉजिटिव खबर है कि उन दोनों में नई टैरिफ के ऊपर डील होने वाली है. तो ग्लोबल सिनेरियो इस समय थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है. यूरोपियन मार्केट देखें तो जर्मन और फ्रांस मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, हालांकि लंदन मार्केट हरे निशान के साथ बंद हुआ. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं, तो सभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी भी 31 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो इस समय हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो मिला जुला कारोबार चल रहा है. प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जो कल हमने ज़बरदस्त यहाँ से अब तेज़ी देखने को मिली, अपसाइड मूव देखने को मिला. हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है वीकली चार्ट. अगर आपने हमारा लास्ट कई वीडियोस देखे हैं, तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन किया था, फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था. तो 38.2% का जो 11,481 है, ये हमने देखा कि कल यहाँ पर काफ़ी पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को, इसके ऊपर जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था. अगर 5 मिनट के चार्ट में देखें, ये 5 मिनट का चार्ट है, और ये 38.2% का लेवल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-2-3-4 बार इसने ट्राई किया था इसके ऊपर जाने के लिए. शुरू में 12 बजे तक तो काफ़ी फ्लैट मार्केट था, और उसके बाद जैसे ही न्यूज़ क्रैक हुई, तो उसके बाद ये ब्रेक हुआ ये लेवल, और ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी. तो अभी एज पर वीकली चार्ट, ये जो 50% का भी लेवल था 11,602, ये कल अचीव हुआ, ऑलमोस्ट अचीव्ड हुआ है. कल का हाई भी देख लिए 11,599, ऑलमोस्ट 600. तो ये 50% का लेवल भी कह सकते हैं यहाँ पर अचीव्ड हो चुका है. तो अभी हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा करेक्शन आए, और फिर जंप करके ऊपर हमें फिर से अपसाइड मूव दिखाए. हो सकता है
ये जो 38.2% का ये जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। अगर आज भी अगर ये 600 के लेवल के ऊपर 15 या 30 मिनट के चार्ट में सस्टेन करता है तो और भी यहाँ से हमें टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकती है। और एक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। प्रॉबेबिलिटी है अभी कुछ इसी तरह एंगल से दिखाई दे रहा है। ये अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है ये बन सकता है कप और ये जो पोर्शन है ये बन सकता है हैंडल। तो इसका ये जो नेक लाइन बनेगा इसका ये भी ऑलमोस्ट 11,600 के पास आ रहा है। तो इस नेक लाइन को ब्रेक करता है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हमें यहाँ से ज़बरदस्त अपसाइड मूव फिर से एक बार यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल ये जो स्विंग अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये जो स्विंग हाई बना है ये यहाँ पर फिर से एक बार ये 11,600 के पास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये नेक लाइन बन रहा है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का, ये प्रोबेबिलिटी है ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऐसे बन सकता है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग से ये कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो का पोजीशन बना रहा है, फॉर्मेशन बना रहा है। यानी जो प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो है इसके ऊपर ये नेक्स्ट डे का हाई और लो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अपसाइड रैली का एक पैटर्न है, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ पर अभी 11,600 का 50% का लेवल अचीव हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफ़ी ऊपर चला गया। तो अगर यहाँ से एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है लाजमी होगा, इतना 5 दिन का ये अपसाइड रैली हमें देखने को मिल रहा है। तो 11,600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही यहाँ से कंटिन्यू ये हमें रैली दिखाई दे सकती है, वरना थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन संभव हो सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल ये जो जबरदस्त अपसाइड मूव आया था तो अभी अगर पास्ट का भी सिनेरियो देखें तो इस लेवल से यानी अराउंड 11,610 ये जो लेवल है यहाँ से दो बार निफ्टी इंडेक्स ये देखिए यहाँ पर यहाँ से ये एक करेक्शन आया था, फिर से यहाँ से एक करेक्शन आया था और फिर ये नीचे की तरफ मूव हुआ था। तो ये जो लेवल है 11,610 इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,632। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 11,669। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो बुलिश कैंडलस्टिक है इसका अगर लो ब्रेक करता है यानी 11,564 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,541 जो कि पिवट पॉइंट का लेवल है और उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा ये 11,517। काफ़ी लंबा टारगेट होगा तो 11,522 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा अगर शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनता है तो। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।